हेलो गाइस, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा हुआ कि यहाँ से मैं चलती हुई जा रही थी, डॉक्टर रास्ते में ही मिल गए। उन्होंने कहा बस सहना इसी लें और आपका काम हो जाएगा। तो आज से हम दोनों के रूम अलग अलग हो गए हैं, ये इधर रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ से जो है ना मैं लेने लगी हूँ फ्रेश जूस। प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा प्यास शिद्दत से जब लगी हो। चलें जी, दोबारा अपनी जिम की रूटीन भी कंटिन्यू करते हैं आज से। नहीं पकड़ूंगी, इधर आ, बैग उतारती हूँ, इतना भारी बैग उठाया हुआ है, मुझे दो, आ जाओ। बड़ा चलाक है बड़ा चलाक है। कौन? अच्छा अच्छा खोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? गर्मी लगी है? तबीयत खराब है, सर में दर्द है। क्यों? गर्मी की वजह से गर्मी लग गई होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। कहाँ है? वहीं वाला। और लेना है अभी? दो तो ले आयो। वो तो खानी है अभी, और नहीं लेना। चूजे ले लेके इकट्ठे करो घर में, और क्या। तो यहाँ पे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है, उनको पहले नाश्ता करवा दिया था। मैं थोड़ी सेटिंग में लग गई थी, तो अभी जो है ना मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए थे दो एग वाइट, ये देखें, इसका येलो पार्ट जो है ना मैंने छोड़ दिया एग वाइट का, और इसका भी ऐसे ही करूँगी। और यहाँ पर जो है ना मेरे पास है दही। तो ये है मेरा नाश्ता। तकरीबन अभी टाइम हो गया 11:30 का हो गया दोपहर का, इसीलिए जो है ना मैं अभी दो एग ले लिए मैंने और एक रोटी। अब दोपहर का भी नहीं खाऊंगी, दोपहर को थोड़ी सी सैलड खा लूँगी, या फिर स्नैक के तौर पे वो फूल मखाना खा लूँगी, ये चीज़ें खा लूँगी। तो ये हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट, और उसमें क्या कहते हैं, ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, और वो हो जाएगा मेरा स्नैक टाइम भी और लंच भी। तो बाकी फिर शाम को देखेंगे कि क्या खाना है, क्या करना है। तो यहाँ पे बन गई है हमारी सैलेड, और इसमें जो है ना मैंने कुकम्बर डाला है, टमाटो डाला है, और थोड़ा सा कोरिएंडर डाला है। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ चुकी है ओकरा, और आज जो है ना मैं ओकरा की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इसी से स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आ गए स्कूल से? क्या लिया था स्कूल में? कुरकुरे खा रहे हो? मिर्ची होती है इसमें, पता है ना, गर्मी थी बहुत। गिर जाओगे, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, गिर जाओगे। नहीं पकड़ूंगी, इधर आओ, बैग उतारती हूँ, इतना भारी बैग उठाया हुआ है, मुझे दो, आ जाओ। बड़ा चलाक है बड़ा चलाक है। पकड़ लिया ना रुक जा गाड़ी रात से बाहर खड़ी है। ये देखिए इतना सारा कचरा निकला है मेरे पार्लर से, ये सारा सामान निकला है, ये सारा सैलून से ही निकला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए जी, आज का हमारा day 3 ट्रैवलिंग में स्टार्ट हो रहा है, और आज मैंने जाना है अपने वही लाइसेंस का, कुछ काम कल का रह गया था तो आज वही काम करना है। तो चलते हैं फिर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और आज देखते हैं आज काम होता है कि नहीं। चलें जी, फिर से मुझे बाहर भेज दिया गया, क्योंकि वॉलेट तो रह गया था गाड़ी में, तो जो खर्चा वगैरह होगा वो कहाँ से देंगे। अच्छा हुआ कि यहाँ से मैं चलती हुई जा रही थी, डॉक्टर रास्ते में ही मिल गए। उन्होंने कहा बस सहना इसी लें और आपका काम हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना यही बहुत होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, सुबह से हॉस्पिटल भाग 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 के ना पागल हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के फाइनली मेरा काम हो गया, लेकिन मेरे पाँव की बैंड बच गई है, इसमें भागना बहुत पड़ा है। अब टाइम है NIC की कॉपी करवाने का, तो NIC की कॉपी जो है ना यहाँ से होंगी और फिर आगे का काम। तो यहाँ से जो है ना मैंने सोचा मास्क भी ले लेते हैं, क्योंकि मेरा मास्क जो है ना ख़राब हो गया है।
कोई भी नहीं पसंद आया। ये ले लूँ लेकिन इसमें स्टार्स बहुत हैं, चुभेंगे बाद में। ये वाला कुछ अच्छा लगता है। इसमें ए लिखा हुआ नहीं है, ए लिखा हुआ नहीं है। हाँ, ए वाला पड़ा। और ये मैं हस्बैंड के लिए ले रही हूँ बासी वाला। और ये भाई जो है ना और लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ना मैंने ओपन कर लिया, अभी पहन के दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैंने पहन लिया और इस तरह से लग रहा है, कुछ पता नहीं अब कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। लेकिन दूसरे मास्क से ना ये कंफर्टेबल होता है, सुकून से आप ड्राइव कर सकते हैं इसको पहन के। तो यहाँ से जो है ना मैं लेने लगी हूँ फ्रेश जूस, प्यास लग ली है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा प्यास शिद्दत से जब लगी हो ना तो बंदा कहता है कि बस कुछ ना कुछ पी लिया जाए ठंडा, और ये बहुत ठंडे होते हैं। पता नहीं इनको क्या बुलाते हैं आप लोग, लेकिन हम इनको मिठड़ियाँ बुलाते हैं। और इतनी ट्रैफिक है ना, अब जो स्कूल खुल गए हैं तो अब ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि आप बता नहीं सकते। कहीं भी जाओ तकरीबन एक घंटा लग जाता है रास्ते में ही इधर से उधर। लेकिन उस एक घंटे में हमारे काम सारे हो जाते हैं, जैसे बड़ी सिटी में होते ना एक घंटा सिर्फ जाओ और वहाँ पर काम करने के टाइम तो अलावा। ये अभी चौक है, यहाँ पर कुछ रश नहीं है। पीछे रश इतना ज़्यादा था, मैं ड्राइव कर रही थी तो मुझे डर भी लग रहा था। और एक तो बाइक वाले ना बिल्कुल नज़दीक से आके आगे निकल जाते हैं, डर लगता है कि कहीं लग ना जाए। पर ये हमारा जूस भी आ गया। चलें जी दोबारा अपनी जिम की रूटीन भी कंटिन्यू करते हैं आज से। चलें मैं आ जाऊँ तो जिम भी बंद है। अभी मैं फ्री होके आई हूँ और ये बच्चे भी इधर आए हुए हैं अभी। तो ये पापा ने लेके दिए, क्या है ये? स्पाइडरमैन। जाली भी है साथ में। अच्छा चलो ठीक है, ब्लैक वाले स्पाइडरमैन लिया। चलें जी सुबह से जो है ना मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेके निकली हूँ और भाग रही हूँ, लेकिन मेरा काम फिर भी नहीं हुआ। तो स्कूल जो है ना ऑफ हो चुका है, तो अब मैंने भाई को बुलाया है जिनके साथ मैं एडमिशन के लिए गई थी, उनको कहा है कि आप मेरी फाइल कल जमा करवा दें। रात के 3 बज रहे हैं और मुझे नींद ही नहीं आ रही। आखिर हस्बैंड उठे हैं और मेरे लिए वो गैस वाली सैशा बना के आए हैं, अभी वो पी है तो बस नींद आ जाए। सर में दर्द है और नींद आ रही है, लेकिन गैस की वजह से नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही। तो आज से हम दोनों के रूम अलग अलग हो गए हैं, ये इधर रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ। और ये मेरा रूम है, तो मैं अब इधर रहूँगी अपने पार्लर में। अभी मैंने इसकी साफ़ सफाई कर ली है, थोड़ी कर ली है और थोड़ी रहती है, तो दिन में फिर इधर रहेंगे। चारपाई भी डाल दिया इधर। तो आज मैंने अपनी रिहाइश का इंतज़ाम अपने सैलून में किया है, ताकि मैं हर वक्त अपने सैलून में काम भी कर सकूँ, इजीली आके बैठ भी सकूँ, वहाँ से जाना बेडरूम से छुट्टी ले लूँ।